अच्छा दोस्तों, क्या आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जिन्हें स्विमिंग पसंद है वो स्विमिंग पूल के साथ साथ नदियों में भी डुबकी लगाई देते हैं। हाँ, हम गंगा मैया जैसी नदियों की बात नहीं कर रहे जहाँ डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सी नदियां हैं जहाँ तैरने के शौकीन लोग कूद पड़ते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आज हमारी वीडियो में हम आपको समुद्र के विशाल और खतरनाक जीवों के बारे में नहीं बताने वाले, क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि समुद्र में बहुत से खतरनाक जीव पाए जाते हैं, लेकिन जिन नदियों को हम सेफ समझकर उसमें कूदी मार देते हैं वो नदियां आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। और इसी बात को दिखाने के लिए आज मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसे ही खतरनाक जीवों के बारे में जानकारी लाया हूँ जो समुद्र में नहीं बल्कि नदियों में पाए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे आज की मजेदार और एडवेंचरस वीडियो। लेकिन हमारे इस अनोखे सफर की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। द एलिगेटर कार। दोस्तों, इस अनोखे जीव के बारे में बताने से पहले आप जरा इसकी तस्वीर पर एक नजर डालिए। अब दोस्तों, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इसके इस भयानक रूप को देखकर हमें तो एक काफी खतरनाक लग रहा है। वैसे ये बात तो सभी जानते हैं कि मगरमच्छ को नदियों में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक जीव माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी एलिगेटर फिश के बारे में सुना है? क्योंकि यह खतरनाक एलिगेटर फिश नॉर्थ अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली फिश है। और दोस्तों, ये एलिगेटर फिश कॉमनली अमेरिकन एलिगेटर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम शार्क से मिलता जुलता है और ये पानी और हवा दोनों में ही सांस लेने में सक्षम है। दोस्तों, फिशिंग लाइन में इस गार फैमिली के सबसे बड़ी स्पीशीज का सबसे बड़ा जीव 2001 में मिला था, जिस मछली का वजन 290 पाउंड था। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस एलिगेटर गार फिश की हाइट अधिकतर 10 फुट की मानी जाती है, लेकिन 1910 में मून लेक मिसिसिपी में सबसे बड़ी एलिगेटर फिश पाई गई जो 12 फुट की थी। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, इस तरह के भयानक जीव का नदी में पाया जाना सच में खतरनाक है। द स्नेक हेड। दोस्तों, अपने नाम की तरह इस मछली का सर भी बिल्कुल सांप के मुंह जैसा है, जो इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। उसके साथ ही दोस्तों, ये मछली पानी के साथ साथ जमीन पर भी आराम से रह सकती है, लेकिन अपनी स्लिपी स्किन स्ट्रक्चर की वजह से इससे एक जगह बैठा नहीं जाता और ये इधर उधर डोला करती है। हालांकि ये मछली मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका जैसी जगहों में पाई जाती है, लेकिन सबसे पहले ये मछली 2002 में यूनाइटेड स्टेट में खोजी गई। वैसे तो इसके द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाए जाने की कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अगर रिसर्चर की माने तो ये मछली काफी खतरनाक है और अगर इसने किसी पर हमला कर दिया तो उसके लिए काफी सारी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि भले ही इस मछली के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी ये बात बहुत बार देखी गई है कि इस मछली ने अपने साथ रहती बाकी मछलियों को बड़ी बेरहमी से अपना शिकार बनाया, जिससे बात साबित होती है कि अगर इसको मौका मिला तो ये किसी इंसान को अपना शिकार बनाने में पीछे नहीं हटेगी। द जायंट सैलामेंडर। दोस्तों, वैसे तो पानी में रहने वाली सभी जायंट जीव काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन चाइना और जापान में पाए जाने वाले इस जायंट सैलामेंडर की बात ही निराली है। दोस्तों, सैलामेंडर दुनिया के लार्जेस्ट एम्फीबियस में से एक है, यानी इन जीवों को जीने के लिए पानी वाली जगहों में रहना आवश्यक है। और अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये जायंट सैलामेंडर एक इंसान जितने बड़े होते हैं, यानी कि चाइना और जापान में पाए जाने वाले ये सैलामेंडर लगभग 6 फुट के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो सैलामेंडर ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन चाइना और जापान में पाए जाने वाले इन जायंट सैलामेंडर का विकास तो जैसे रुकता ही नहीं है। और तो और दोस्तों, ये जायंट सैलामेंडर 100 सालों तक जीवित रह सकते हैं, और इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें मछलियों या बाकी जीवों का शिकार करने के लिए उनके पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि उन्हें बस अपना मुंह खोलना होता है और वैक्यूम मशीन की तरह इनका शिकार इनके मुंह में चला आता है, जो इनकी सबसे खास बात है। द गोंच कैटफिश। ओहो दोस्तों, इस मछली की शक्ल देखकर ये पक्का किसी मॉन्स्टर जैसी लग रही है। वैसे हम अगर इसके किस्से बताएंगे तो आपको ये किसी मॉन्स्टर से कम भी नहीं लगेगी, क्योंकि इस खतरनाक से मुंह वाली मछली को जब तक इंसानी खून का स्वाद नहीं मिलता तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एक बार इसके मुंह खून लग गया तब तो इससे खतरनाक कुछ नहीं। अब जैसे कि सन 1998 वाला किस्सा ले लो, जहां पर एक 17 साल का लड़का अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ नदी के किनारे मौज मस्ती करने गया था, तभी उसने नदी में छलांग लगा दी। और जब वो नदी में तैर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो गया, और ऐसा गायब हुआ कि 3 दिनों तक ढूंढने पर भी नहीं मिला। और 3 महीने बाद ऐसी ही दुर्घटना एक 7 साल के बच्चे के साथ हुई,
जहां पर वो पानी में तैरते वक्त खो गया। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। फिर 2007 में बायोलॉजिस्ट ने नदियों में जाकर रिसर्च की तो पता चला कि ये गूंज कैटफिश है जिनके मुंह में खून लग चुका है और यही अब लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनका कुछ पता नहीं चलता। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये खतरनाक मछली ज्यादातर इंडिया और नेपाल में बहने वाली नदियों में पाई जाती है और काली रिवर में इस खतरनाक मछली के शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि हम सभी के लिए काफी खतरनाक है। द अफ्रीकन लंगफिश। दोस्तों हमारी आज की इस लिस्ट में वैसे तो काफी खतरनाक जीव है लेकिन ये अफ्रीकन लंगफिश हमारी इस लिस्ट में अपने अजीब से बिहेवियर की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये लंगफिश इतनी अजीब है कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च भी की है। दोस्तों ये अफ्रीकन लंगफिश फ्रेश वाटर, ब्लैक वाटर और साउथ वेस्ट अफ्रीका की छोटी नदियों में पाई जाती है। और दोस्तों इस जीव की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 400 मिलियन ईयर से भी पहले ये मछली बिना एक्टिविटीज के चेंज बड़े आराम से रह रही है। ये जीव पुराना होने के साथ साथ काफी अलग स्वभाव भी रखता है, जैसे कि इस मछली के दो लंग्स हैं और बड़े आराम से पानी के साथ साथ हवा में सांस लेती है। और दोस्तों इस मछली पर मछली जल की रानी वाली पोयम नहीं चलेगी जिसमें मछली को पानी से बाहर निकालते ही मछली मर जाए, क्योंकि ये मछली 4 सालों तक पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे 4 साल तक, वो भी बिना पानी के, है ना चौंकाने वाली बात। द टैक्सोमा कैटफिश। दोस्तों ज्यादातर काली नदी में पाई जाने वाली गूंज कैटफिश भले ही काफी खतरनाक हो लेकिन टैक्सोमा कैटफिश की कहानी कुछ कम निराली नहीं है, क्योंकि ये विशाल कैटफिश अंटार्कटिका को छोड़कर हर रीजन में पाई जाती है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने तो इस अनोखी मछली से अपना एक अलग रिश्ता बना लिया है। यहाँ तक कि वहाँ के बहुत से लोगों का कहना है कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन में पाए जाने वाली इस अनोखी मछली की वजह से अमेरिका की नदियाँ काफी फेमस है। और अब दोस्तों ये बात सही है कि नहीं, हमें तो नहीं पता, क्योंकि अगर इन कैटफिश से जुड़े अफवाहों की बात करें तो एक अफवाह ये भी है कि टैक्सोमा लेक में एक ऐसी कैटफिश पाई गई जो स्कूल बस जितनी बड़ी है। हालांकि लोगों ने तो कह दिया है कि कैटफिश स्कूल जितनी बड़ी है, लेकिन हमें तो लगता है कि उन्होंने कभी स्कूल बस ही नहीं देखी होगी, वरना उन्हें पता चल जाता कि स्कूल बस कितनी बड़ी होती है। और अगर उनकी बात सच है तो टैक्सोमा लेक में पाई जाने वाली कैटफिश दुनिया की सबसे बड़ी कैटफिश मानी जाएगी। खैर आपको क्या लगता है, क्या सच में एक स्कूल बस जितनी बड़ी कैटफिश हो सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। द नाइल क्रोकोडाइल। दोस्तों मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि शार्क की कुछ प्रजातियां हैं जो नदी की पानी में पाई जाती है और एलिगेटर भी नदियों में पाए जाते हैं, लेकिन जब आप शार्क और एलिगेटर के खतरे को एक मिक्सी में डालकर पीस देंगे तब ये खतरनाक नाइल क्रोकोडाइल निकलेगा। हाल ही में आए आंकड़ों की माने तो मगरमच्छ शार्क से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जहां मगरमच्छ खतरनाक होते हैं वहां मगरमच्छों की ये प्रजाति जिसका नाम नाइल क्रोकोडाइल है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों अगर मगरमच्छों के द्वारा मारे गए इंसानों की बात करें तो पूरी दुनिया में हर साल 1000 से भी ज्यादा लोग मगरमच्छों का शिकार करते हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों इजिप्ट की नाइल रिवर में सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल के हमले से ही मारे गए हैं। दोस्तों न जाने कितने किस्से हैं जहां पर फार्मर्स नाइल रिवर के पास में इन क्रोकोडाइल के हमले के शिकार हुए। और दोस्तों अगर साइज की बात करें तो नाइल क्रोकोडाइल 20 फुट की लंबाई के साथ दूसरे सबसे लंबे लिविंग क्रोकोडाइल है और पहले नंबर पर इन्हीं की प्रजाति अमेरिकन क्रोकोडाइल आते हैं। द बुल शार्क। दोस्तों भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पानी में रहने वाले खतरनाक जीवों की बात करें और उसमें शार्क का नाम ना आए? भाई शार्क ने अपनी एक ऐसी पहचान बना रखी है कि इंसान एक दो बार भूत से भले ही ना डरे लेकिन शार्क के नाम से पक्का डर जाएगा। अपने ही रिश्तेदार व्हाइट शार्क की तरह बुल शार्क भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। और खतरा तो तब और बढ़ जाता है जब हमको ये पता चलेगी शार्क समुद्र के अलावा नदियों में भी पाई जाती है। दोस्तों ये बुल शार्क साइज में काफी बड़ी होती है और ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। शार्क के हमले से मारे जाने वाले ज्यादातर लोगों को इन्हीं बुल शार्क ने ही अपना शिकार बनाया, जिस बात से इनके खतरनाक स्वभाव का साफ पता चलता है। वैसे दोस्तों शार्क का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिए ना। द जायंट स्टिंग्रे। दोस्तों आपको तो नहीं पता लेकिन ये जीव हमें तो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन खूबसूरती के चक्कर में इनको हम कम खतरनाक समझ ले ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इन पानी वाले जीवों की रेपुटेशन काफी खराब है और ये जितनी ही अनोखे और इंटरेस्टिंग है उतने खतरनाक भी है। दोस्तों इस जीव के द्वारा मारे गए जीवों की भी कोई कमी नहीं है और इनका साइज तो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये समुद्री जीव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विशाल जीव समुद्र के साथ साथ फ्रेश वाटर वाली रिवर्स में भी बड़े आराम से सुमड़ी में अपने शिकार का इंतजार करते हुए मिल जाएंगे।
पिछले कुछ साल पहले साउथ सुमात्रा के एक फिशरमैन को 800 पाउंड भारी एक स्टिंग्रे मिला, जो कि एक बड़े से गोरिल्ला के वजन से भी दुगना था। अब दोस्तों, इतने खतरनाक जीव का इस कदर विशाल होना किसी भी लिहाज से मनुष्यों के लिए तो सही नहीं है। द कैंडिरू। दोस्तों, अगर आपको एक छोटी सी फिश को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपका क्या बिगाड़ सकती है, तो हम आपको बता दें, ये मछली नदियों में पाए जाने वाली सबसे शैतान मछलियों में से पहले स्थान पर आती है, क्योंकि ये छोटी सी मछली कब अचानक से आप पर हमला कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। और तो और दोस्तों, अमेजोन रिवर में पाई जाने वाली ये मछलियाँ अगर किसी को काट ले तो उसे उल्टी, बेहोशी जैसी चीजें हो सकती हैं। उसके साथ ही अगर इसने आपको कायदे से काट लिया तब तो आपकी मौत निश्चित है। इसलिए अगर आपको इसका साइज देखकर ये कम खतरनाक लग रही है ना, तो हम आपको बता दें कि ये छोटी सी मछली आपको काफी बड़ा खतरा पहुंचा सकती है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी जान का जोखिम मत लेना और आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।